इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi 13C फ़ोन है, तो Redmi 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर मैसेज रिंगटोन को ऑफ़ कैसे कर सकते हैं Redmi 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप मैसेज रिंगटोन को ऑफ़ कर सकते हैं इस ऑप्शंस के ज़रिए, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि मैसेज रिंगटोन को बंद कैसे कर सकते हैं Redmi 13C फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में मैसेज रिंगटोन है, तो मैसेज रिंगटोन को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं Redmi 13C फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है साउंड सेटिंग। तो साउंड एंड वाइब्रेशन आपको सर्च कर लेना है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी, जिसके ज़रिए आप मैसेज साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इस तरीके से सेटिंग्स आ जाएगी, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते जो भी मैसेज साउंड को ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको डोंट सेट पे क्लिक कर देना है और बैक कर देना है, तो आपका मैसेज साउंड ऑफ़ हो जाएगा और मैसेज रिंगटोन भी ऑफ़ हो जाएगी। कोई भी साउंड आपके मैसेज पे शो नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको ऑफ़ कर दिया है। इसी तरीके से आप अलार्म साउंड को भी ऑफ़ कर सकते हैं, बस डोंट सेट पे टैप करना है, तो आपका अलार्म साउंड भी साइलेंट पे हो जाएगा और कोई भी साइलेंट मतलब अलार्म सॉन्ग शो नहीं होगा। रिंगटोन साउंड को भी ऑफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, डोंट सेट पे क्लिक करके रिंगटोन साउंड भी आपके फ़ोन में ऑफ़ हो जाता है, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैसेज रिंगटोन को ऑफ़ कर सकते हैं अपने Redmi 13C फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो